प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाते हुए यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह के इस पत्र पर पलटवार करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन्हें पत्र लिख कर जवाब दिया है। साथ ही दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि आपका पत्र पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 900 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। जिस व्यक्ति ने स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया है, वही मिस्टर बंटाधार अब किसानों की समस्याओं का झूठा रोना रोकर उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को लिखे अपने पत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि आपके पत्र में क्योंकि किसानों से जुड़े विषयों की चर्चा की गई है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते आपको सही और तथ्यात्मक जानकारियों से अवगत करा देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा रबी 2020-21 के लिए पिछले वर्ष वितरित किए गए यूरिया की तुलना में 4.12 लाख मैट्रिक टन यूरिया का आवंटन अधिक किया गया है। रबी 2019-20 में 17.88 लाख मैट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया था, जबकि इस वर्ष 22 लाख मैट्रिक टन का आवंटन भारत सरकार द्वारा दिया गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 3.60 लाख मैट्रिक टन यूरिया ट्रांजिस्ट सहित प्राप्त हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में मात्र 2.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ था। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जानकारी सूत्रों से प्राप्त है। जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ ग्रुप की रिपोर्ट।